Assalamualaikum viewers, this is me Tahir. This is me Faizan. तो वेलकम बैक टू न्यू बस रिव्यू. आज हम आपको पाकिस्तान की सबसे लग्जरी बस का रिव्यू देंगे जिसपे अंग्रेज भी सफ़र कर रहे होते हैं और गोरों को ये बस बहुत पसंद है. ये बस पाकिस्तान की मतलब बाकी तमाम बसेस से डिफरेंट है. वो क्यों डिफरेंट है ये आपको भाई बताएंगे. तो अगर आप लोग ट्रैवल लवर हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो आप अगर चाहते हैं कि आपका बेड रोड पर आ जाए तो आप ये बस में ज़रूर सफ़र करें. ये ऐसे आपको लगेगा कि आप अपने बेडरूम में हैं और आप मोटरवे पे जा रहे हैं. तो हम आपको अंदर से इसका रिव्यू करवाते हैं कि कैसी बस है और इसमें लोग क्यों इतना ज़्यादा इसको पसंद कर रहे हैं वो हम आपको बताते हैं. ठीक है, तो व्यूअर ये है स्लीपर बस डाइवो की जो कि लाहौर से कराची जाती है. ये डबल बेड है जिसमें मैं बैठा हुआ है. इसका मैं आपको आज रिव्यू करवाता हूँ ये बस का कि कैसी बस है, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं. और इसमें 2x1 बेड्स लगे हुए हैं. इधर ये दो बेड्स हैं, इसमें दो लोग बैठ के लेट के सफ़र कर सकते हैं और उधर एक बंदा लेट के या फिर बैठ के सफ़र कर सकते हैं. इसमें प्रॉपर प्राइवेसी का रखा गया है. ये देखिए पर्दे ऐसे कर सकते हैं आप और आराम से सो के लेट के जा सकते हैं. इधर से बाहर का व्यू देखना हो आप इधर से ऐसे करके और ऐसे लेट के बाहर का व्यू भी देख सकते हैं. और इसमें आप क्या ये बोलता रिकॉर्ड कर दूँगा वीडियो ऑन डिमांड. और इसमें आप टीवी लगा सकते हैं जो मर्जी दिल करे वो देख सकते हैं और अपने मोबाइल चार्जिंग कर सकते हैं इधर लगा के. सॉकेट भी मौजूद है और इसमें बैठने के लिए भी स्पेस अच्छी है और लेटने के लिए तो बहुत ही कंफर्टेबल है. और इसका पिलो जो है बहुत ही सॉफ्ट है और इसमें आपको थकावट बिल्कुल भी नहीं होगी और आप फुल एंजॉय करते जाएंगे. और ये इसकी खास बात जैसे कि आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि इसके अंदर मैट्रेस लगा हुआ है. तो मैट्रेस लगा हुआ है, काफ़ी साफ़ सुथरी बस है. सो व्यूअर्स ये है सिंगल बर्थ. इसमें अगर एक बंदा अकेला जा रहा है तो आराम सुकून से लेट के जा सकता है और फुल्ली इंजॉय करता जाएगा. चिल्ड बस है, दो दो चार चार सॉकेट्स लगे हुए हैं एसी के और रीडिंग लाइट्स भी लगी हुई हैं और सामने बड़ी सी एलसीडी लगी हुई है. आप पर्दा बंद करके सिनेमा माहौल बना के भी जा सकते हैं, बाहर देखना है बाहर भी देख सकते हैं. और इसमें आप बहुत ही मज़े की बस. सो अगर आपको इस बस के रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं, फेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं, तो ये स्टार्ट जब हुआ था एक स्लीपर बस से हुआ था लेकिन लोगों ने इसको इतना ज़्यादा पसंद किया, इसकी इतना डिमांड थी कि इसके मतलब जो है क्वांटिटी को बढ़ा दिया गया. तो ये डाइवो बनाता भी इस तरह की बसेज़ को खुद ही है. ये जो बसेज होती हैं नॉर्मल बसेज होती हैं तो उनके ऊपर इसको मतलब बनाया जाता है, कस्टमाइज़ किया जाता है. लाहौर से कराची ये इनके रूट्स हैं वाया मतलब डिफरेंट सिटीज़ लाइक हैदराबाद, सखर, मोरो, ये इन सिटीज़ को टच करती है. एंड देन इस्लामाबाद से कराची भी अब रिसेंटली कुछ अर्सा पहले इसको स्टार्ट किया गया है. तो ये दो मेन रूट्स हैं और रात के टाइम इनके डिपार्चर होते हैं. इसको आप नाइट स्लीपर कोच कह सकते हैं जैसा बाहर के मुल्कों में एक टर्म यूज़ की जाती है. मतलब रात को लोग बैठते हैं बस पे और सुबह जब उठते हैं आंख उनकी खुलती है तो वो एक अलग ही मतलब उनकी जर्नी कम्प्लीट हो चुकी होती है, अलग ही दुनिया में होते हैं. तो ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज देती है इस चीज़ को और बहुत ही एक कम्फर्टेबल किस्म की बस है. मुझे पर्सनली पाकिस्तान की सबसे जो मुझे मज़े की बस लगती है वो ये स्लीपर बस लगती है. लाहौर वालों के लिए ये खुशखबरी है कि लाहौर वाले इसमें कराची जा सकते हैं, हैदराबाद जा सकते हैं, सखर जा सकते हैं, मोरो जा सकते हैं. इसमें आप इतना लंबा सफ़र है, सीटों पे बैठ के बंदा थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, इसमें बंदा लेट के जा सकता है. ये बेड दिए गए हैं और इस्लामाबाद से भी आप जा सकते हैं. इस्लामाबाद से भी डाइवो ने स्लीपर बस स्टार्ट की हुई है, काफ़ी अर्सा हो गया. तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी. इस तरह के मज़ीद आप बसेस के रिव्यूज़ देखना चाहते हैं, पाकिस्तान की इंटरेस्टिंग चीज़ों को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को इटन एक्सप्लोर पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपको पाकिस्तान की इंटरेस्टिंग चीज़ें एक्सप्लोर करवाते रहें और आपके नॉलेज में इजाफा करते रहें. तो वो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया. मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक.